तो सबसे पहले राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ और बांदा जिला से हूँ और कुर्मी धाम समिति की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नेशनल प्रभारी हूँ और ओबीसी महासभा की सक्रिय सदस्य हूँ। आपका संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कुर्मी समाज इधर उधर बिखरा है हमें इकट्ठा करना है और महिलाओं को आगे लाना है। तो बहुत सारी महिलाएं आज भी चूल्हा चौका पर ही सीमित है, उनको हम आगे लाना चाहते हैं। अभी आप बोल रहे थे महिला सशक्तिकरण की बात, तो भाजपा के बारे में क्या ख्याल है? भाजपा भी बोलती है कि महिलाओं को मैं बहुत आगे बढ़ाता हूँ। वो तो देख रहे हैं ना किस तरह नोएडा में किस तरह महिलाओं को बढ़ाया है, अभी परसों बरेली में किस तरह महिलाओं को बढ़ाया है, ललितपुर में इनके एसएचओ में किस तरह बच्ची को बढ़ाया है, वो देख रहा है ना किस तरह महिलाओं को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इनके नेताओं से बच जाए हम लोग तब भी तो सुरक्षित है ना, नेता ही तो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आने वाला समय में किस पार्टी में आप जा सकती हैं? वो तो समय बताएगा मैं किस पार्टी पर जाऊँ, पर भाजपा भी नहीं जाऊंगी कभी भी जिंदगी में, नहीं जा सकती मैं। आज भी आपके चैनल पे बोल रही हूँ, कभी नहीं जाऊंगी। तो ऐसा भी नीतीश कुमार अभी बोलते थे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, फिर वापस सरकार बना के फिर चले गए आरजेडी में। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। मैं अपने सिद्धांतों का समझौता, अपने महापुरुषों के सिद्धांतों का समझौता, अपने समाज के सिद्धांतों का समझौता, अपने माता पिता के सिद्धांतों के समझौता करके मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अभी पटेल समाज में दो पार्टियां हैं जी, एक पल्लवी पटेल जी का भी है, एक अनुप्रिया पटेल जी का भी है, और तीसरी पार्टी आ चुकी है अमित कुमार सिंह की। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई उनको? इसलिए कि जो डॉक्टर साहब पटेल जी, उनको मैं सच्चा नमन करती हूँ और उन्होंने बहुत समाज के लिए कार्य किया है, लेकिन उनकी जो दो बेटियां हैं वो पारिवारिक कलह को पार्टी में ले आई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रही है। आपको अभी विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए लेकर के इन्होंने टिकट दी, इनका सिर्फ और सिर्फ इनको सत्ता हथियाना है। समाज ओबीसी एससी एसटी समाज कुर्मी समाज मर रहा है, जी रहा, उनसे कोई मतलब, उनका सिर्फ काम है। आपका कहने का मतलब है कि अनुप्रिया पटेल जी पैसा लेकर टिकट बेचती हैं? बिल्कुल यही सच्चाई है। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में जो लड़की अपने माँ के खिलाफ प्रचार करे, अपनी बहन के खिलाफ प्रचार करे, इससे क्या साबित होता है कि मतलब ये कुर्सी की भूखी है। इनकी माँ रो रही थी, डॉक्टर पटेल अपने मतलब पति का जन्मदिन नहीं उनको मनाने दिया गया, क्योंकि पहले माँ ने आपको जन्म दिया है, तो जिस माँ के आपने कोख से जन्म दिया है उस माँ को आपने जन्मदिन नहीं मनाने दिया, उस माँ के आंसू आ गए थे, इससे अच्छा है कि ऐसे निकम्मी औलाद पैदा होते ही मर जाए। अच्छा है कि जिंदगी भर वो माँ कब से कब रोएगी तो नहीं, एक दिन रो लेगी तो अच्छा है। कहने का मतलब आपको है कि समाज को बेचने का काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल समाज को बेच रही हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं पटेलों के लिए बहुत कुछ किया है, केंद्र में सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार में है। चलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये हमारे बुंदेलखंड की बहू है करवी की, तो उनसे जरा कभी डिबेट लीजिएगा, उनके प्रवक्ता से पूछिएगा, पांच काम बता दीजिए जो उन्होंने अपने ससुराल में किया हो मात्र। कहने का मतलब आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि बस उनको कुर्सी का लालच है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी सत्ता की प्यारी है। डॉक्टर पटेल को जिन लोगों ने मारा था जब ये गठबंधन में नहीं थी भाजपा के, तब ये चिल्लाती थी कि डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच हो, ये दूसरी बार सत्ता पर है। आज तक इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की सीबीआई की जांच, हत्या की सीबीआई की जांच मांग क्यों नहीं किया है, बताएं हमें। वो आपके पिता थे लेकिन वो हमारे लिए आदर्श थे, उन्होंने बलिदान किया है इस समाज के लिए, उनका बलिदान कभी समाज नहीं भूलेगा। आपको पहले उनसे अनुप्रिया पटेल से प्रॉब्लम है कि बीजेपी से? हमें देखिए अनुप्रिया पटेल से भी प्रॉब्लम है, बीजेपी से भी है, क्योंकि सबसे पहले तो अनुप्रिया है ना। बीजेपी से इतनी प्रॉब्लम क्यों, नफरत क्यों? इसलिए नफरत की मैं आज दिन देख रहा हूँ, बेरोजगारी आप देखिए चरम पर है, युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है। इंडियन रेलवे जो सबसे ज्यादा नौकरी युवाओं को देता है, इन्होंने इंडियन रेलवे के बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, रोड बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया। अगर आप
भारत देश की संपत्ति अगर आप बना नहीं सकते हैं तो देश की संपत्ति आपको बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति पूरे देश के सभी नागरिकों की है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है, ये विपक्ष नहीं बताता है। अडानी अंबानी के अलावा कौन खरीद रहा है? आप देखिए लखनऊ एयरपोर्ट में अडानी एयरपोर्ट लिखा है। आप कौन होते हो देश की संपत्ति को गिरवी रखने वाले? आपने पूछा देश के नागरिकों से? क्योंकि देश के नागरिकों की संपत्ति है, या अकेले आपकी संपत्ति नहीं है। देश के नागरिकों ने आपको कुर्सी दिया है, उस कुर्सी का तो पालन करिए। अगला सवाल हमारा आप कह रहेगा कि आने वाला समय में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कोई भी पार्टी टिकट देगी तो? नहीं, भाजपा पे तो मैंने बताया ना कि भाजपा पे नहीं जाऊंगी मैं। समाजवादी पार्टी से? वो तो समय तय करेगा कि मैं किस पार्टी, भाजपा को छोड़ के मैं किस पार्टी पर जा रही हूँ। क्या मध्य प्रदेश में आप जो इस पार्टी में जाएंगी, मध्य प्रदेश में उस पार्टी का विस्तार होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, पूरे देश में विस्तार होगा। पूरा देश की बात कर रहे हैं आप, अभी कांग्रेस को ईडी परेशान कर रही है, इसमें सच्चाई कितनी है? कुछ नहीं, ईडी क्या करेगी परेशान करके अगर हम सही हैं। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, नौजवान हैं, और हम इनको जवाब देना अच्छे से आता है। अगर इनको ईडी लगाना है तो मैं बताती हूँ ना, ईडी लगाइए। अगर भाजपा पे कोई नेता दूसरी पार्टी का जाता है, वो कितना बड़ा गुनाह है, उसके ईडी क्यों नहीं जाती है? भाजपा वाले बोलते हैं कि बहुत करप्शन की है कांग्रेस। अरे करप्शन किया है तो उनको देश ने दो बार उनको सत्ता से बेदखल भी किया है। कहने का मतलब आपको कि बस परेशान किया जा रहा है? पांच कोई काम किए हो तो बता दे, पांच मात्र। मैं तो बोलते हैं कि घर घर सिलेंडर पहुंचाया हम लोग, जनधन योजना का खाता खुलवाया। क्या करेंगे खाता खोल के, उसमें घास डालेंगे या पैसा? वो तो बोलते हैं कि महीने महीने किसानों को सम्मान योजना निधि भी दिया जा रहा हर महीने का। चलिए मैं 2000 रुपए भाजपा के एक प्रवक्ता को मैं अपने अकाउंट से दूंगी, और वो 6000 रुपए में साल अपना चला ले तो पत्रकारिता सोशल वर्क में छोड़ दूंगी। चैलेंज करती हूँ आपके चैनल से। अभी बिहार में सरकार गिर गई एनडीए की, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तो हम खुश हैं इससे, क्योंकि कम से कम ये जो संघ वाले हैं इनको सबक सिखाना, जनता को सिखाना चाहिए। नीतीश कुमार लालच में तो नहीं निकले हैं कि बीजेपी वाले गिराने से पहले ही मैं निकल लूं? अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि नीतीश जी क्यों गए हैं। क्योंकि एक बार गए थे, फिर वापस आए, फिर गए। सुनिए, भाजपा का काम है सत्ता डालो राज करो। इनको लगता है कि मतलब नीतीश जी के हम विधायकों को खरीदा, कितने विधायकों को खरीदोगे? नीतीश जी को तो नहीं खरीद पाओगे। अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने गठबंधन महसूस किया, स्वतंत्र रूप से वो काम किए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं कि विधायक करते नहीं है, वो लोग देश के राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। हमारा राष्ट्र कहाँ मजबूत है? डॉलर को देख लीजिए, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, चीन की सेना कहाँ आकर के घर बसा लिया है, उधर नेपाल आंख दिखा रहा है, उधर पाकिस्तान तो बराबर आंख दिखा रहा है, कहाँ राष्ट्र मजबूत है? बोलते हैं कि पूरा दुनिया में नाम हुआ है मोदी जी, ये है पूरा देश का नाम। हम नाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम जरूर हो रहा है कि भुखमरी में हमारा देश निचले पायदान में है, पत्रकारिता में हमारा देश निचले पायदान में है, रुपया डॉलर ये चल रहा है, महंगाई में हमारा नाम तो सही कमा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार दूसरी बार बनी है योगी आदित्यनाथ की, इसको कितना नंबर देना चाहेंगे इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, पहले का छोड़ दीजिए? कार्यकाल में मैं एक नंबर देना चाहती हूँ इस वाले कार्यकाल में, मात्र 50 पैसे। तो फिर जब आप एक नंबर दे रहे हैं तो फिर वापसी कैसे कर लिए योगी आदित्यनाथ? देखिये, इनका एक सिद्धांत है कि जो निचले शोषित वंचित जो पीड़ित समाज है उनको हम लोग लालच दे दें, समझ रहे? जैसे इन्होंने विद्यालय बने हैं, इनका इन्होंने क्या मिड डे मील जैसे चल रही है, ठीक है? क्या गांव के लोगों को क्या है कि हमें भी कमाना नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे एक टाइम का भोजन स्कूल में कर लेंगे, शिक्षा अच्छी मिलनी नहीं है, और बैग मिल जाना है, किताबें फ्री मिल जाना है, यूनिफॉर्म मिल जाना है,
तो हमारे ये लोग बच्चों को एकदम अनपढ़ बनाना चाहते हैं, जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के जो युवा हैं, जो लड़के लड़कियां बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ ना पाए, वो आगे ना बढ़ पाए, तो ये लालच पर सरकार बना रहे हैं। नहीं विकास पर बताइए अगर इनकी सरकार बने, लालच ना दे कुछ पूरी मांग करें ना। आप बोल रहे हैं मिड डे मील तो योगी आदित्यनाथ के आने से पहले से चालू है। बिल्कुल, जो भी पिछले सरकार थी वो भी तो नकारा बनाना चाहती है ना देश के बच्चों को, कोई भी सरकार हो। ये तो मानिए ना कि इसके पहले अखिलेश जी भी गरीबों को नहीं चाहते थे, मिड डे मील उस टाइम बंद कर देना चाहिए, कोई नई सुविधा लाना चाहिए था। क्या है गरीबों को भाई, जनता ने इस बीजेपी को किया कि चलो सब तो बेकार थी बीजेपी, हम लोगों को ध्यान दे रही, बीजेपी तो उनसे भी बीस निकली। अभी तो बाबा बुलडोजर के नाम से वापसी कर लिया 2022 में। कह रहे हैं कि बाबा को बुलडोजर चलवाना है तो चलवाए ना, जो भी बरेली में वो रस्तोगी ने जो है महिला को गाली दिया है मारा है वहां चलवा दे, नोएडा पे चलवा दे, और अभी सचान जो है मंत्री था ये राकेश सचान वो कोर्ट से फाइल लेके फरार हो गया उसके यहाँ चला दे, संजय निषाद के अभी कोर्ट में पेश होना उसके यहाँ चला दे, योगी आदित्यनाथ अपने मठ पर चला दे, जो भी उनके 50+ उनके पर मुकदमा लगे चलवाए ना। वो तो पहले सरकार में अपने पूरा मुकदमा वापस ले लिए ना, तो वही तो ऐसा भारत इतिहास भारत में आजाद भारत में पहला मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे वापस ले ले, इससे क्या साबित होता है। बीजेपी वाले बोलते हैं तो सब फर्जी था बाबा के ऊपर मुकदमा, तो सबके ऊपर भी फर्जी था, जो सपा वाले जो गायत्री प्रजापति वो भी तो फर्जी होगा ना मुकदमा, जो बीएसपी सरकार बाबू सिंह कुशवाहा सबके ऊपर फर्जी भी होगा। अब तो उनके सरकार में उनका सब जवाब तो वही देंगे। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आइए ना बैठे बुलाइए हम उनसे सवाल करते हैं। आखिरी में सवाल आपका ये रहेगा मेरा कि संदेश क्या देना चाहेंगे समाज को, क्या चाहते हैं 2024 लोकसभा में समाज किसका साथ दे, जनता किसका साथ दे। हम चाहते हैं कि समाज साथ एक ऐसे व्यक्ति का दे जो समाज के लिए काम करे, कुर्सी के लिए परेशान ना हो, युवाओं के लिए रोजगार दे, महिलाओं के लिए सुरक्षा दे, महिलाओं के लिए भी रोजगार दे, हर जिले में छोटी छोटी इंडस्ट्री होना चाहिए जिससे महिलाएं भी अपना महिलाओं को रोजगार मिले, वो किसी पर सीमित ना रहे, और शिक्षा व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी होना चाहिए, जो इस सरकार में जो अभी तक नहीं है। मेरे बुंदेलखंड की स्थिति इतनी बदहाल है कि मैं कैसे बयां करूं कि विद्यालय ऐसे ऐसे हैं कि बारिश में पानी गिर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते हैं टाइम पे, दवा नहीं मिल पा रही है, आप रोडवेज बस की हालत देख लीजिए, यूपी परिवहन विभाग की खचाड़ा बसें चल रही हैं, ट्रेन में जो प्राइवेट किया जा रहा है वो सब वापस होना चाहिए। सुना कि अमित पटेल जी जो कुशीनगर के हैं वो बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करती हूँ, पूर्वांचल की जनता से कि अमित भाई का आप लोग साथ दीजिए, आपने सबको मौका दिया है लेकिन इस बार उस भाई को भी आप मौका दीजिए। आप अमित भाई की बात कहें तो वो तो फिलहाल बीजेपी के सपोर्ट में है। नहीं सपोर्ट पे वो अब नहीं है, वो पहले भ्रम में थे, अब वो सपोर्ट पर नहीं है, कुछ लोग भ्रम के शिकार हैं। तो अभी तो उनका कोई ऐसा नहीं है स्टेटमेंट कि नहीं मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, आप देखते जाइए आपके चैनल पे ही एक्शन आएगा। चलिए ठीक है, रात तक न्यूज चैनल को आप समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों